अरे जीजा जी, आज आप हाथ पर छोड़कर पेपर क्यों काट रहे हैं? बोलो। इस अखबार में खबर छपी है कि एक आदमी ने अपनी बीवी को सिर्फ इस वजह से तलाक दी क्योंकि रोजाना वो उसकी जेब टटोलती है। लेकिन आप क्या करोगे इसका? मैं इसे अपनी जेब में रखूंगा ताकि तुम्हारी दीदी को सबक मिले। ओ, भूल जाओ भूल जाओ, दीदी आप पहले जैसी नहीं रही। अच्छा, नया रूप देखोगे ना तो डर जाओगे। शर्लॉक होम्स? शर्लॉक होम्स नहीं, शर्लॉक होम्स। हु केयर्स? गुल्लू द उल्लू। What suspense! Oh, what intrigue! लच्छू डार्लिंग, क्या है? अरे क्या है कि बच्ची, तुम पढ़ क्या रही हो? जासूसी नॉवल हलवाई दी लाश। अरे ये सब वाहियात चीजें तुमको पढ़ने को कहा किसने? टाइम वेस्ट कर रही हो इन किताबों में। नहीं, गुल्लू ने मुझे कहा था डिटेक्टिव नॉवल पढ़ने से दिमाग तेज होता है। हाँ, लेकिन उसके लिए दिमाग का होना जरूरी है ना। आजकल मैं शर्लॉक गोम्स बन गई हूँ। शर्लॉक गोम्स नहीं, लच्छू शर्लॉक होम्स। हाँ वही वही, शर्लॉक होम्स। इसीलिए ऐसी किताबें पढ़कर आजकल तुम मेरी जेबें टटोलती हो? क्यों नहीं, मर्दों पर नजर रखनी चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा है दुनिया में 90% मर्द बेवफा होते हैं। हाँ करेक्ट है, लेकिन मेरा शुमार तो उन 10% में होता है ना। और वो 10% झूठे होते हैं। तो तुमने ये सब वाहियात किताबें पढ़कर तुम्हारे दिमाग में वहम घुस गया है। अच्छा, हाँ। तो ये क्या है? ये तुम्हारा बुकमार्क है। ये विजिटिंग कार्ड है। मिस रोशन, इवेंट मैनेजर। कौन है ये रोशन जिसका कार्ड तुम कलेजे से लगा के घूमते हो? मैं किसी रोशन मोशन को नहीं जानता लच्छू डार्लिंग, किसी रोशन मोशन को नहीं जानता। अच्छा, लेकिन ये कार्ड तो तुम्हारे जेब से बरामद हुआ था। अभी होगा, मुझे क्या मालूम कौन रोशन है, मेरी कोई पेशेंट भी हो सकती है। मैं क्या सबके नाम अते पते याद रखता फिरता हूँ? डोंट वरी, नो आई वोंट। मैं अपने जासूसी दिमाग से पता लगा कर रहूंगी। और अगर ऐसी वैसी बात है तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे मेरी बात छोड़ो, तुम अपनी खैर मनाओ, अपनी खैर मनाओ। कल वो हमारे डीन है ना, डॉक्टर दस्तूर, उनको मैंने तुम्हारे हाथ के बने मलाई के कोफ्ते खिला दिए थे, तो इतने इंप्रेस हो गए, तुम्हारे फैन हो गए, कहने लगे डॉक्टर राज अगर मैं तुम्हारे साथ डिनर करूं तो तुमको कोई एतराज है? मैंने कहा सर ऑन द कॉन्ट्ररी, ये मेरा प्लेजर, आई विल बी ऑनर्ड। तो बस आज शाम को यहाँ पर आ रहे हैं तुमसे मिलने। बात मत बदलो। नहीं, कौन है ये रोशन? अरे मैं क्या जानता हूँ कोई रोशन, ये देखो घड़ी घड़ी काप देके। एक मिनट, फोन। हेलो, कौन? रोशन? हाँ बोलो रोशन। रोशन कौन? रोशन? हाँ नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। राज हलवाई दी लाश। गुल्लू, क्या हुआ गुल्लू? दीदी मैं सोच रहा हूं अगर इस दुनिया में एक भी बेवकूफ न रहे तो कितना मजा आएगा। गुल्लू हमेशा अपने बारे में बुरा मत सोचा कर। हमारे बारे में? अच्छा अच्छा, ये कार्ड रख, इस रोशन की पूरी छानबीन करनी है। दीदी मुझे भी इस कार्ड से लफड़े की बू आ रही है। सही पहचाना। देख मैं मार्केट जा रही हूँ, तू गुड्डी को तैयार करके रख। रोशन, ये रो क्या जीजा जी, मेरे लिए लड़की तो ढूंढ नहीं रहे? एक्सक्यूज मी, ये भिखारी कहाँ से आए? अंग्रेजी लग रहे हैं। डॉक्टर सेठी अंदर में है? अंदर में है लेकिन बाहर में जाने वाले हैं। बाहर जाने वाले हैं। लेकिन आप कौन है? आई एम व्हाट? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज माय नेम? आई एम आस्किंग यू व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज माय नेम? ये तो हमसे भी गैल है। देखो आपका नाम क्या है, माता पिता ने नाम रखा है? व्हाट? व्हाट इज माय नेम? व्हाट हमारा नाम है? अच्छा, हम पेंटर है। कारपेंटर? कारपेंटर नहीं, कारपेंटर नहीं, हम पेंटर है, पेंटर। अच्छा अच्छा, पेंटिंग करते हैं? yes. लेकिन हमारे घर में पेंटिंग नहीं करने, आप जाइए प्लीज। हे व्हाट, माय ओल्ड फ्रेंड, हाउ आर यू? हाय डॉक्टर सेठी, आई तुम्हारा घर का ये नौकर बहुत बेवकूफ है। हे हे, ही इज नॉट माय नौकर, ये मेरा साला है। मेरे जहेज में आया हुआ दागिना है, लोगों के जहेज में कबाट पलंग आते हैं ना, ये मेरे जहेज में आया हुआ है। ओ ओ ओ, आई एम सॉरी साले। साले नहीं, ओके ओके, नाउ नाउ व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? देखो डॉक्टर सेठी, एक प्रॉब्लम है। हम थोड़ा दिन पहले माधुरी का फैन हो गया था। मेरे जैसा? उसका हम बहुत बड़ा बड़ा पिक्चर बनाया और एक बहुत बड़ा आर्ट गैलरी बाड़े पर लेकर पिक्चर्स का एग्जीबिशन किया। ओ, फिर कुछ बिका?
अमर घर बिक गया। ठीक क्या हुआ? अभी क्या है, हम बहुत खड़का है। कड़का कड़का ओ, हम है, तुम टेंशन मत लो। तो अभी हम बहुत कड़का है, हम थोड़ा दिन इधर में तुम्हारे घर में रहने को मांगता है। मेरे घर में? वाट लग गई। नहीं नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं है, वो हमारा गेस्ट रूम है ना गुल्लू, ये वहीं पर रहेंगे। ओके, हमारा घर का अरेंजमेंट होगा, हम चल जाएंगे। ओके जी, अगर ये अपने घर में रहेंगे ना तो अपनी दीवारें इनके कुर्ते की तरह हो जाएगी। खामोश। ओके, थैंक यू। डॉक्टर राज, डॉक्टर राज, डॉक्टर राज। हेलो, आप यहाँ हैं? अरे यार, तुम्हारी स्पीड देखो बोलने की रोशन, और तुम यहाँ पर कैसे? हाँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अरे हुश हुश, तुम यार सारा सस्पेंस तोड़ दोगी। यहाँ पर किसी को मालूम नहीं कि तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। यहाँ पर अब बोलो। हाँ, मैंने आपकी मैरिज एनिवर्सरी पार्टी का एक बढ़िया सा प्लान बनाया है। यू आर सो स्वीट रोशन, सो स्वीट। हाँ, और मैंने वो मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी एक स्टीमर पर ऑर्गेनाइज की है। क्या बात है। एंड स्टीमर इज वेरी चीप, यू नो, ओनली 200 rupees पर। अरे यू आर सो लवली, आई लव यू, आई लव यू रोशन, आई लव यू। जीजा जी ने लड़की का हाथ पकड़ा, जीजा जी का लपड़ा। आज की ताजा खबर, अगले महीने उल्लू हम दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है। आप दोनों की? लक्ष्मी को मैं सरप्राइज देना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, और वो पूरा पार्टी का अरेंजमेंट जो है वो रोशन कर रही है। अच्छा, जीजा जी मेरा भी इनके साथ अरेंजमेंट कर दो ना। आईने में थोबड़ा देखा है क्या कभी? और देखो, लक्ष्मी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। रिमेम्बर दिस डॉक्टर राज। Yes. राज को राज रहना है तो मुझे 100 rupees देना पड़ेगा। ब्लैकमेल? ठीक है गुल्लू, अगर मैं तुमको 100 rupees दे भी दूं, ये 100 rupees तो तुम इसका क्या करोगे? पहले मैं गिन लूंगा, आप पे विश्वास नहीं है। हेलो मॉडलिंग एजेंसी, हाँ जिमी हियर, जिमी हियर। हम एक मॉडल कवास से ऑर्डर किया था, वो अभी तक इधर नहीं आया है। क्या बोलो, निकल गया? वेरी गुड। अच्छा देखो, जूना वाला मॉडल नहीं भेजा है ना हमको, अच्छा वाला नवा मॉडल 36 मॉडल मांगता है। यस यस, एड्रेस ठीक बोला है ना? यस डॉक्टर राज सेट। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। आप पेपर पे पेंटिंग नहीं करते क्या? आई एम गुल्लू, मिस्टर गुल्लू, इधर में जास्ती मॉस्किटो नहीं है ना? बहुत मॉस्किटो है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। व्हाई व्हाई? देखो, आप यहाँ का मुफ्त खाना खा के आपका पेट भर जाएगा। आप रात के पहले शिफ्ट में गहरी नींद सो जाएंगे, मच्छरों का पता ही नहीं चलेगा। बट सेकंड शिफ्ट में क्या होगा? सेकंड शिफ्ट में मच्छरों का आपका खून पी के पेट भर जाएगा, वो आपको तंग ही नहीं करेंगे। लॉजिक, माय लॉजिक। अच्छा देखो, हम एक मॉडल को इधर में बुलाया है, वो आ जाएगा तो उसको हम रूम में भेज दो। देखो आप क्या बोलते हैं ना, इस घर में किसी के समझ में नहीं आता, प्लीज। हम क्या बोलते हैं, कभी कभी हमको भी समझ में नहीं आता, बट ओके। गुड्डी कभी तो अपना होमवर्क किया कर। सॉरी मम्मी। ओह सॉरी, क्या हुआ दीदी? गुल्लू आज मुझे बहुत काम है, डॉक्टर दस्तूर आने वाले हैं। हाँ। तो आज गुड्डी को स्कूल लेके जा। अच्छा। आज इसने होमवर्क भी नहीं किया। अच्छा, मैं देखता हूँ। गुड्डी, तुमने मुझे क्या प्रॉमिस किया था कि मैं आज होमवर्क करूंगी करके? हाँ, क्या तो था। और मैंने क्या कहा था, अगर होमवर्क नहीं करूंगी तो मैं तुझे पिटूंगा। देखो गुल्लू मामा, मैंने तो अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। हाँ। अब तुम भी अपना प्रॉमिस तोड़ दो, हिसाब बराबर। लॉजिक। आई एम नॉट श्योर गुल्लू, पर मुझे लगता है इसने तुम्हारा मजाक उड़ाया। बुड्ढी, तूने मेरा मजाक उड़ाया? नहीं तो। हाँ, कभी नहीं मजाक उड़ाना। हाँ। मेरे समझ में सब कुछ आता है। इंटेलिजेंट। It's so hot. Hello. आपको किससे काम है? डॉक्टर सेठी है। लेकिन आप कौन है? रिश्ते में तो हम तुम्हारे कच नहीं लगते। नाम है रोशनी। रोशनी या रोशन? Well, प्यार से लोग हमें रोशन भी कहते हैं। लगता है ये वही है जिसका कार्ड राज के जेब से मिला था। आपको राज से क्या काम है? काम? काम मुझे नहीं, काम उनको हमसे है। हम तो सिर्फ अपनी अदाओं का दाम लेते हैं, 200 rupees घंटा। हाय हाय। ए इधर, तेरा नाम क्या है रे? लक्ष्मी। अच्छा अच्छा, यहाँ बाथरूम कहाँ है? बाथरूम? तेरे साथ पिट 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 करके
मेरा मेकअप मेक डाउन हो गया। सोचती हूँ राज आने तक थोड़ा सा टच अप कर लूं। हमारा धंधा ही ऐसा है यू नो, चिकनी चाम का चिकना दाम 200 रुपए। ओके ओके, बाथरूम वहां है। तो इस छिछोरी छोकरी के साथ राज अपना नाम रोशन कर रहा है। लक्ष्मी आई। अरे लच्छू डार्ले, क्या है, अपनी गंदी जबान से मेरा नाम मत लो। अरे लच्छू देखो मेरी जबान तो कितनी साफ है। देखो आज एक माइनर सर्जरी है इसलिए मुझे आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो प्लीज बस बस बनने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता चल गया तुम्हारे रोशन के बारे में। फ्रीज, मुझे लगता है गुल्लू ने इसे हमारे मैरिज एनिवर्सरी के बारे में सब कुछ बता दिया। अरे पर डार्लिंग, इसमें नाराज होने की क्या बात है, आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव सम फन। ये चॉइस है तुम्हारे फन का? Yes. 200 रुपीज पर आवर। अरे पर 200 रुपीज पर आवर बहुत रीजनेबल रेट है। क्या ठीक है, तो तुम्हें मंजूर नहीं है तो कुछ और अरेंजमेंट कर लेता हूँ। हाउ डेयर यू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? तुम इससे मतलब? अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। देखो मैं जानता हूँ मैं तुमको ये बताए बगैर सब कर रहा हूँ, बट लच्छू यू मस्ट लर्न टू अप्रिशिएट द स्पिरिट बिहाइंड दिस। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ये हरकत अप्रिशिएट करूं? आई सपोज सो। हद है बेशर्मी की, आई एम गोइंग। अरे अरे इसमें शर्म की क्या बात है, बेशर्मी की क्या बात है, आजकल सभी करते हैं और फिर हम कोई बूढ़े थोड़ी हुए। तुमसे तो बात करना बेकार है, मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे पीछे मत आना। अरे लच्छू गो टू हेल। यू गो टू हेल। ओके आई विल गो टू हेल। हेलो जाओ जाओ, सोचो मत। लच्छू ये Are you Mr. Raj? Who's Raj? Oh yeah, I'm Raj. Mm-hmm, you're quite handsome. Yeah. तुम कौन हो? कौन? तुम्हें उसे क्या मतलब है? Come on, let's start. We're getting very late. बोलो कौन सा पोज लेना है? बैठे हुए? Pose? खड़े हुए? लेटे हुए? No, look, miss, there is a mistake. मैंने आपको यहाँ पर नहीं बुलाया है, समझी आप? तो क्या ये नाम और एड्रेस मेरे सपने में आया था? No. Excuse me. Stop. Excuse me, Dr. Sethi. इसको इधर में हम बुलाया था। तुमने बुलाया था? घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, तुम्हारे खुद के रहने का ठिकाना नहीं है, तुमने सैंपल को क्यों बुलाया? No sample. Okay, take it easy. She's a model. Model? She's a model. हम लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी में इसको आर्ट ऑब्जेक्ट्स बोलता है। कौन सा ऑब्जेक्ट बोलता है? तुम हमको कॉपी करने का कोशिश मत करो, बहुत लफड़ा होगा। आर्ट ऑब्जेक्ट्स। बराबर है, तुम्हारे जैसा पेंटर होएगा तो आर्ट तो ऑब्जेक्ट करेगा ही। Yes, कभी कभी मुझे भी सरप्राइज होता है इनकी पेंटिंग देखकर कि ये क्या चीज है, रंगरेज। सोचता होगा कि हम ऐसा पेंटिंग कैसे बना? नहीं, हम ये सोचता होता कि तुम ऐसा पेंटिंग कई के वास्ते बनाता है। पकड़ा जीजा जी ने हाथ पकड़ा भाई, आपको पकड़ा। दीदी लफड़ा लफड़ा, मेरा लफड़ा नहीं है, ये इस वार्ड की मॉडल है। कौन से साल का मॉडल है? नारद मुनि, तूने अपने दीदी के क्या कान भरे? मेरे मैरिज एनिवर्सरी के प्लान के बारे में उसे सब बता दिया? विष्णु भगवान, मैं अपनी अनाज की कसम खा के कहता हूँ, मैंने नहीं बताया, मैं अभी अभी गुड्डी को स्कूल में छोड़कर आया। अरे लेकिन वो तो कहती है कि उसे रोशन के बारे में सब पता है। नहीं, क्या रोशन? Yes. वो तो मुझसे पूछ रही थी कि मेरा नाम रोशनी है या रोशन। तुमसे? हाँ, मैंने उन्हें बता दिया कि मेरा नाम रोशनी है और प्यार से लोग मुझे रोशन कहते हैं। अच्छा, यानी वो तुमको रोशन समझ बैठी है। पता नहीं, लेकिन जब मैंने उनसे बताया कि मुझे राज सेठी ने 200 रुपीज पर रात में बुलाया तो वो एकदम आग बबूला उठी। Naturally, इसी इसीलिए तुम्हारी दीदी गुस्से में भर कर भाग गई, समझे? उठाओ रंगरेज। सॉरी दीदी, चली गई से मतलब चल बसी नहीं है, पेशेंट सिर्फ जिंदा है, मरा नहीं है, कोमा में गया है, समझे? अच्छा, अभी तो पेशेंट मर ही नहीं सकते। क्यों? सब डॉक्टर स्ट्राइक पे है ना। एक्सक्यूज मी, व्हाट एम आई इंटेलिजेंट? लॉजिक। हाँ सरिता, देखो लक्ष्मी काफी देर से घर से गायब है, तुम्हारे यहाँ पर तो नहीं है? लक्ष्मी? कौन लक्ष्मी? अरे लक्ष्मी मेरी बीवी लच्छू। ओ हाँ, तुम्हारी बीवी कहाँ गई है वो? अरे यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, घर से गायब है। तुमको बता कर नहीं गई वो? सरिता, तुम मेरे हर सवाल के जवाब में सवाल क्यों पूछती हो? आई एम सो सॉरी, लेकिन क्या मैं ऐसा करती हूँ? जीजा जी,
मेरे एको निकाल रहे क्या? चिल्ला रहा ना, चुप बैठना। जीजा जी गुल्लू क्यों फटे हुए बांस की तरह चिल्ला रहा है, क्या हुआ है? जीजा जी गुड्डी स्कूल में नहीं है क्या? हाँ, मैंने चपरासी को पूछा तो उन्होंने कहा उनकी माँ आ गई, उसे ले गई। उनकी माँ नहीं, मेरी दीदी ना। शट अप। देखा मिस्टर व्हाट, तुम्हें अपने घर में पनाह देकर मेरी वाट लग गई है। वाट? सो व्हाट? सो नथिंग। व्हाट? माय मीटर इज रनिंग। ये आप मॉडल है या टैक्सी है? शट अप। अरे आज शाम को आ रहे हैं मेरे डीन डॉक्टर दस्तूर मलाई कोफ्ता खाने और लक्ष्मी से मिलने। अब मैं उन्हें किन से मिलवाऊंगा और क्या खिलाऊंगा? धक्के। आइडिया। व्हाट आइडिया? आई हैव एन आइडिया। क्या? हम ट्रुप्रवास से मलाई कोफ्ता बनाएगा। मलाई कोफ्ता बनाएगा? मलाई कोफ्ता यानी कि मॉडर्न आर्ट है क्या? कोफ्ते में दूंगा। हम तो कुकिंग का बहुत एक्सपीरियंस है। इधर आने से पहले हमारा वड़ा पाव का गाड़ी था। तो काहे को भेज रहा है इधर आया? दैट्स अनदर स्टोरी, बाद में बोलेगा। हम ट्रुप्रवास से मलाई कोफ्ता बनाएगा और रोशनी को तुम्हारा वाइफ बना के तुम्हारे डॉक्टर के सामने हाजिर करेगा। ए माइंड योर टंग, सुन जनम, ये औरत मेरी दीदी की जगह नहीं ले सकती। बोलू, मेरी औरत बन सकती है। शराब शराब, तुम और तुम्हारी दीदी दोनों म्यूजियम में रखने के लायक सैंपल्स हो तुम लोग। देखो जीजा जी, आप इनके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अरे बेइज्जती तो उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है, समझे? जीजा जी कल से मैं कुछ काम नहीं करूंगा। आप करो। अगर आप डूब रहे होंगे ना तो मैं रस्सी भी नहीं फेंकूंगा। अरे गुल्लू, तुम्हारी फेंकी हुई रस्सी पकड़ने से अच्छा तो मैं डूबना ज्यादा पसंद करूंगा। तो जीजा जी, डॉक्टर दस्तूर जब यहाँ पर आएंगे तुम बाहर नहीं आओगे, उनके सामने लोचा नहीं मारोगे, अपने कमरे में बैठे रहोगे, अंदर से कमरे को लॉक कर दोगे। शराब शराब। ठीक है, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, तुमसे कुट्टी। रोशनी रोशनी, आर यू रेडी टू प्ले हिज वाइफ? व्हाई नॉट, 10 रुपया पर आवर। वेरी गुड वेरी गुड, आप ये परफेक्ट हाउस वाइफ हो गया है। हाँ, अरे शक्ल से हो गया है लेकिन अकल का क्या? क्या नाम है तुम्हारा? रोशनी। अरे यार ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। रोशनी नहीं, नहीं, नहीं है इसका नाम, रोशनी नहीं, रोशनी है। नहीं रोशनी नहीं, अभी तुम इनका वाइफ लक्ष्मी है। लच्छू लच्छू लक्ष्मी। ओके लक्ष्मी। हाँ लक्ष्मी, ठीक है, थोड़ा सा अंडर। हाँ अंडर, इतना ओवर नहीं। अब देखो डॉक्टर दस्तूर यहाँ पर किसी भी वक्त आएंगे, उनका स्वागत कैसे करोगी, वेलकम कैसे करोगी उनको? डोंट यू वरी, हम सब देख लेगा। अरे यार ये नहीं चलेगी, यार ये नहीं चलेगी, इतना सब नहीं चलेगा यार। ओके ओके, डोंट। देखो डॉक्टर दस्तूर जो है पुराने ख्यालात के ऑर्थोडॉक्स आदमी है, समझी? उनको बिल्कुल जरा तमीज से नमस्ते करना। तमीज से नमस्ते? ये नहीं चलेगी यार, सिर्फ नमस्ते। सिर्फ नमस्ते? नमस्ते नमस्ते। डॉक्टर राज सेठी, हाँ करेक्ट जगह पर आया है, जरा घोड़ा ने लाल पर लगा रही छे, कोई नी नजर नहीं लागे એટલા વાસ્તે। ओ डॉक्टर दस्तूर। अरे साहब जी, साहब जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेलकम सर, वेलकम। बहुत जल्दी आ गए आप। नहीं नहीं दिख रहा, एकदम टाइम पर आया हूँ, देखो। अरे सर मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इतने साल से मेरे दिमाग में एक विचार खटक रहा है कि दो दो घड़ियां पहनकर आप हॉस्पिटल में क्यों आते हैं? हाँ दिख रहा, बताता हूँ। दो घड़ी काहे को पहनता हूँ, ये घड़ी टाइम देखने के लिए पहनता हूँ, और ये घड़ी ये बराबर टाइम बताती है कि नहीं उसके लिए पहनता हूँ। कंफ्यूजन है सर, लेकिन इसमें से ये कौन सी और वो कौन सी, मेरा मतलब पहली कौन सी और दूसरी कौन सी? दिख रहा है वो तो बहुत बड़ा मिस्ट्री है। दोस्त है जेम्स वॉट। James what? What James? James what? Jimmy what? Jimmy what? Sir, glad to meet you, sir. एक कलाकार की तरफ से ये आपके वास्ते एक टोपा। टोपा क्या हो? टोपा नहीं, तोहफा, तोहफा, gift, 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 gift. Very good, very good. Abstract painting. अरे नहीं सर, painting इधर है। ये realistic painting है सर, बहुत realistic painting है। हम इसके title दिया है एक काका। काका क्या होता है? काका इधर नहीं, काका इधर। काका मतलब कामगार, कामपर। इधर तो कामगार आराम से बैठकर बीड़ी पीता है। सर यही तो इसका realism है। वेरी फनी पेंटिंग है। और दस्तूर के खातिर जीजा जी ने मेरी दीदी की जगह उस रोशनी को दी और मुझे कहा उस बॉस के सामने नहीं आना, मैं नहीं आता। यह है पेट साफ करने की दवा,
डॉक्टर के सूप के बाउल में पूरा पेट साफ कर दूंगा और ज्यादा नमक ये मलई कोफ्ता में डॉक्टर साहब के लिए। बुल्लू आज के दिन हमारे तू यहाँ पर क्या कर रहा है लाड साहब की तरह? आज का अखबार पढ़ रहा हूँ। अच्छा सुन, खाना तो बना लिया है रोशनी ने और वो मेरे जेम्स वॉट ने, तू कम से कम सर्व तो करेगा कि नहीं? हाँ जरूर करूंगा। वेरी गुड बॉय, और एक ध्यान में रखना, लोचा नहीं मारना डॉक्टर दस्तूर के सामने। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मारूंगा, मैंने तो पहले से मार के रखा बड़ा लोचा। डॉक्टर साहब आप सुप मुंह से पी रहे नाक से पी रहे? नहीं नहीं, मेरे नाक को लग गया है ना, वो क्या है मेरा नाक लंबा है तो अंदर लग जाता है। और नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट रोशनी। रोशनी मतलब रोशनी कम है ना तो दिखाई नहीं दिया। स्पिल पीजिए ना, बहुत अच्छा बना है। और दे दो क्या? और दे दो, चलो अंदर चलो। नहीं नहीं, अभी मलाई कोफ्ता लाओ, मलाई कोफ्ता। मिस्टर वॉट, अब हमारा रेट बढ़ेगा? क्या रेट बढ़ेगा? नहीं नहीं नहीं, वो बोलता है कि अभी डाइटिंग नहीं करता है इसलिए वेट बढ़ेगा। ये पेंटेड बॉडी अच्छा आदमी है, मेरे को सब एक्सप्लेन करता है विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। यस, मलाई कोफ्ता। ये लीजिए मलाई कोफ्ता। अरे वाह वाह, सर सर सर, हैव दिस, लेट मी सर्व यू, लेट मी सर्व यू। या ओके ओके, मिसेस राज सिट्ठी, आपका मलाई कोफ्ता बहुत ही टेम्पटिंग है। नहीं नहीं, प्लीज सर, प्लीज प्लीज, नो फॉर्मेलिटीज। आप ले लीजिए पेंटर साहब। अरे आपको ये नहीं, मलाई कोफ्ता डबल क्वांटिटी में बनाना चाहिए था। मतलब आपको इतना अच्छा लगा सर, और लीजिए ना। नहीं नहीं, ये इसके अंदर इतना नमक डाला है कि डबल क्वांटिटी बनाते तो नमक स्पिड आउट हो जाता था ना। तुमने मेरा कपड़ा खराब किया। एक तो डबल नमक वाला मेरे को ये मलाई कोफ्ता खिलाया, ऊपर से ये मेरा कपड़ा मर गया। नहीं नहीं, मारी बात तो समझो ना। आपके घर के अंदर वो टॉयलेट है ना? है ना, किचन के बाजू में रखा है। आई मैं दिखाता हूँ। आई पेट के अंदर घटर घू घटर घू हो रहा है। अरे तुम मेहरबानी करके सीधी खड़ी रहो, मैं ऐसे ही रहूंगी। अरे देखो डॉक्टर दस्तूर अभी पांचवी इनिंग पूरी करके आते ही होंगे। अरे मरी गए, मरी गए। अरे बाप रे, मेरा पेट के अंदर तो खजान मैदान थी गयो। पांच पांच वक्त जाइने आयो, मेरी हालत खराब छे, उभरे होनी ताकत नहीं। सर आई कैन अंडरस्टैंड, ये सब हमारे घर में होना था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लक्ष्मी इनको सॉरी बोलो प्लीज। डॉक्टर साहब लक्ष्मी, जरा धीरे से बोलो, मेरे कान के अंदर काना पड़ गया। ठीक है ठीक है, अभी हम जाएगा। चलिए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ने आता हूं। आइए। अरे तुम अभी आ रही हो? शट अप। ये कौन है? ये वो हमारे पेंटर है ना, व्हाट, उनकी मिसेज है। राज? नहीं कोई नहीं, कॉलेज में हम साथ में पढ़ते थे, फर्स्ट नेम पर एक दूसरे को एडजस्ट। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना राज? शराब शराब रोशनी। रोशनी? हाँ कुछ नहीं, तुमसे नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे सीनियर हैं डॉक्टर दस्तूर। नमस्ते नमस्ते। लक्ष्मी डॉक्टर डॉक्टर दस्तूर के लिए आइसक्रीम ले। नहीं नहीं, अभी आइसक्रीम नहीं चाहिए मेरे को। लक्ष्मी जाती हूँ। अरे तुमको किधर बोला, इसको बोला? हाँ इनका भी नाम लक्ष्मी है। अच्छा, शादी के पहले लक्ष्मी था। डॉक्टर साहब आजू बाजू के अंदर कोई अच्छा डॉक्टर है क्या? टॉयलेट 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 टॉयलेट। मैं डॉक्टर को, मैं डॉक्टर, मैं अटेंशन। लच्छू इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। शादी के बाद हर औरत अपने पति को जो है ना बेवकूफ समझती है। इससे साबित होता है कि शादी के बाद औरत अकलमंद हो जाती है। अरे अकलमंद होती तो इस तरह घर छोड़कर नहीं जाती। अब इस घर में मेरा बचा ही क्या है? जो है ना गुल्लू बचा हुआ है कि नहीं? गुल्लू उसी को तो लेने आई हूँ मैं। अरे डोंट बी सिली, मेरी बात सुनो लच्छू, प्लीज मेरी बात सुनो। अब मुझे कुछ नहीं सुनना है राज, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे कैसे नहीं? कुछ नहीं सुनना है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाय बेवफा। उफ लच्छू, कट द ड्रामेटिक्स आउट। ओके, ये सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ है। मेरी बेवकूफी? और नहीं तो क्या, वो कार्ड जो तुम्हें मेरी जेब से मिला था मिस रोशन का था। वो रोशन कौन है बता? इवेंट्स मैनेजमेंट की तरफ से काम करती है वो हमारी शादी की 11वीं सालगिरह किसी स्टीमर पर ऑर्गेनाइज कर रही थी। क्या? हाँ, क्या क्या की बच्ची। और वो रोशनी जिसे तुमने रोशन समझ बैठा था, वो एक एड एजेंसी से आई थी मॉडलिंग करने मिस्टर वॉट के लिए, मेरे लिए नहीं, समझी?
लेकिन अब तो तुम्हारी लच्छो वो है ना। अरे वो तो एक नाटक करना पड़ा मेरे डीन डॉक्टर दस्तूर को दिखाने के लिए। नाउ कम ऑन बी अ गुड गर्ल और ये थोड़ी देर के लिए तुम भी ये नाटक निभाओ, समझी? ओके ओके, लेकिन मुझसे वादा करो, वादा, ऐसा नाटक फिर कभी नहीं करोगे? कभी नहीं करूंगा। मेरे सिवा दूसरी औरत के सामने पेट खाली हो गया, नहीं देखोगे? अरे नहीं देखूंगा भाई। वक्त आने पर मेरे लिए जान दे दोगे? हाँ वक्त आने पर तुम्हारे लिए जान। अरे जब जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है तो जिंदा रहकर क्या फायदा? मजाक था, मजाक। डॉक्टर राज लफड़े बाज, मेरे बॉस। रहने दो ना। अरे मेरे बॉस, डॉक्टर दस्तूर। बॉस अब आपकी तबीयत कैसी है? अरे मेरी तबीयत को छोड़ो, तुम अपनी दोस्त की बीवी के साथ ये क्या कर रहे थे? ओह नो, यस, ओह नो, ओह नो, ओह नो सर, ये तो लगता है बहुत जोर से। डॉक्टर राज, मैं तुमको शरीफ आदमी समझता था। मैं तो आज भी आपको शरीफ आदमी समझता हूँ सर। तुम करेक्ट समझा था, गलती मैंने की थी। मैं तुमको हॉस्पिटल का इंचार्ज बनाने वाला था, लेकिन तुम्हारा ये कैरेक्टर। सर आपको गलत फहमी हुई है सर। मेरे को कोई फहमी नहीं हुई है, मेरे को मालूम है कि तुम्हारा ये कॉलेज का लफड़ा है, लेकिन अभी ये तुम्हारे दोस्त का बीवी है ना, तो तुमको रिश्तों की कदर करनी चाहिए कि नहीं? सर आप गलत समझ रहे हैं सारी बात को सर। मैं क्या, तो तुम मेरे को क्या बेवकूफ समझ? ये मैं अपने मुंह से कैसे कह सकता हूँ सर? जो समाज के अंदर रिश्तों की कदर नहीं करता है वो समाज खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तुम्हारी बीवी का नाम क्या है? लक्ष्मी। हाँ उसको हम सब कुछ बताएगा। लक्ष्मी, तुमको नहीं लफड़ेबाज औरत, लक्ष्मी उसको ऐसा ऐसा करती है, बताएगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी देखा, अब तो चलो ना राज। अब डायलॉग बोलो ना। रोशनी, रोशनी हम दुनिया में बहुत सारे मॉडल्स के साथ काम किया, पर तुम्हारी जैसे चौकड़ी आज तक नहीं देखा। What? आज थोड़ा टाइम हाउस ऑफ एक्टिंग करके हमको भी ऐसा लगा कि हमारा भी दो हस्बैंड एक बच्चा, एक हस्बैंड दो बच्चा होना चाहिए। What? रोशनी ये हो सकता है, ये हो सकता है, तुम हमारे साथ शादी करेगा? What? तुम सच बोलते हो? What? I really mean it. I mean it. Will you marry me? Yes, what? I'll marry you. What? Roshni. What? Roshni. Roshni. What? Oh my God! ये मैं क्या देख रहा हूँ? ए खुदाए, ये संसार का क्या होएगा? ये सब क्या घोटाला है? सर मैं जब से यही तो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लक्ष्मी यानी ये है मेरी बीवी। तो फिर वो मेरा बेटा, ये कौन है? ये आम्र होने वाला बीवी है, रोशन, she's a model. ए खुदा, ये क्या लफड़ा है, सब समझ नहीं आया। सर let me explain, मैं डिटेल में आपको बयान करता हूँ। क्या है कि मैं अपनी यानी मेरी और लक्ष्मी की वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए मैंने रोशन से कहा। ओह राज, कट इट शॉर्ट। शॉर्टकट। अब समझे आप सारी बात सर? अच्छा तो ये बात है। yes, चलो हमने तुम सबको माफ किया। थैंक यू, थैंक यू। अरे मरी गए, अरे मेरे को जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। आपके इस बीमारी पर मेरे पास इलाज है। क्या इलाज है देखना? यही है टमाटो सूप।